अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देख दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। आज इस अवसर पर आप सभी के संग अपने जीवन के कुछ संस्मरण, कुछ ऐसे दिव्य, एक ऐसे अलौकिक अनुभव जो हम सभी को जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि जीवन के जो दिव्य अनुभव होते हैं वो हमारे जीवन को एक अलौकिक दिशा प्रदान करते हैं, और हमें जब भी हम उसे याद करते हैं तो जीवन पर्यंत हमको एक नवीन दिशा प्रदान करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे ही दिव्य अनुभव आपके साथ शेयर करने का आज का अवसर है। तो आशा करती हूँ कि ये दिव्य अलौकिक अनुभव आपके भी कुछ काम आएंगे, कुछ जीवन में सहयोगी बन सकेंगे। तो ये जो अलौकिक जीवन है, जो ये समर्पित जीवन है, जो कि समाज सेवा के लिए परमात्मा की तरफ से एक उपहार होता है, जो हम समाज में रहते हुए समाज के कार्यों में सहयोगी बनते हुए समाज के लिए कुछ अपना सहयोग देते हैं, तो उस परमात्मा शक्ति ने कुछ ऐसा अनुभव कराया जिसमें जीवन रंगता चला गया। शुरुआत में जैसे कहते हैं कि इंसान कुछ दिव्य अनुभूतियां करता है, ऐसे ही रात के समय में ऐसा लगता था वाइट वाइट पोशाक में कोई आता है। मेरा हमेशा संग अपनी दादी जी के संग रहते थे, तो लौकिक दादी, तो ऐसा लगता था सोते समय ऐसा लगता था कि रात में कोई फरिश्ता चारों तरफ आता है, कुछ कोई आ रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है। चंद्रमा से ऐसा लगता था कि जैसे कुछ कोई पुकार रहा है। मेरा एकेडमिक नॉलेज या जो हमारी एजुकेशन हुई वो रिलेटेड थी म्यूज़िक से, संगीत गायन, उसमें वादन भी था सितार भी था। तो ये संगीतमय वातावरण होने के कारण कभी कभी ऐसा लगता था कि उन गीतों में कोई पुकार रहा है, कोई कोई लाइनें इतना अंदर तक टच हो जाती थी, फील होती थी कि जैसे किसी की आवाज़ मुख ना होने के कारण अदृश्य शक्ति कोई पुकार रही है, कोई चंद्रमा से निहार रहा है, कोई गीतों से पुकार रहा है, और कोई कुछ सूक्ष्म अनुभूतियां करा रहा है, और वो अनुभूतियां कुछ कराना चाहती हैं।
जब एजुकेशन चल रही थी, उसके बाद थोड़े थोड़े समय के बाद वो अनुभूतियाँ होती रही और बहुत मगन कर देती थी, एकांत में ले जाती थी, जैसे छत में ले जा कर के रात्रि में, क्योंकि कभी ऐसे किसी साथी की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। ऐसा लगता था कि वो ये प्राकृतिक चीज़ें मेरी साथी हैं और जो कि मुझे बहुत कंपनी प्रदान कर रही हैं, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे अंग संग है जो कभी कभी मुझे बहुत बुराइयों से भी बहुत दूर रखता है कि आपका जीवन कुछ अलग है।